आप सभी को और आपके परिवार को लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठ पूजा का पहला अर्घ दिन है, इसलिए जो है हमारे दोस्त जो भी हैं इन चारों पांचों और आगे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि पूरे रोड को सफाई कर रहे हैं और पूरे ये घाट तक जाएंगे। अप्रोक्स 2-3 किलोमीटर घाट पड़ता है मतलब घर से, तो वहां से जो है इन लोग सभी लोग मतलब साफ सफाई करते हुए और ये पूरा घाट तक जाएंगे, क्योंकि आज हमारे बिहार और झारखंड और यूपी के लिए जो है एक बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि यह जो छठ पूजा होता है काफी महत्वपूर्ण पर्व है बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश के लिए। तो इन लोग जो है सेवा कर रहे हैं भक्तों के लिए। Come here on the road, so we decided to go on the road to do something work, because today is a festival. As you know, festival name is Chhat Puja. So regarding of these festivals, we are very happy person to do something else. That is why we are doing something special day. You can see behind me, there are lots of people are doing something special work. They are busy with clearing road because of this festival. Because this is very famous day. Who people know about the Bihar, Jharkhand and MP, all those kind of states, they all very know about this festival. So we can say this is a very famous day for our life to do something else. So we should try to do something special, more and more creativity things where we can find relief and enjoy and happy. That's all. महापर्व छठ पूजा की शुभ अवसर पर हमारे गांव के सभी युवा जवान जो कि भक्तों के लिए साफ सफाई कर रहे हैं और काफी लंबा इन लोगों का प्रयास है और काफी अच्छा प्रयास है इन लोगों का कि इन लोग अपने समाज के लिए, अपने ग्राम के लिए, अपने ग्राम के सभी माता बहनों के लिए इन लोग एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जो कि आने वाला समय में एक समाज के लिए अच्छा उद्देश्य जाएगा। आज लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा है और छठ पूजा के शुभ अवसर पर हमारे गांव बरबिजावा खड़िका के बिजहन जो भी लोग हैं और जो भी युवा हैं, आप देख सकते हैं कि लोक आस्था के महापर्व छठ के शुभ अवसर पर हमारे सारे भाई युवा और बड़े भाई पिता समान जो भी लोग हैं, सभी कोई लोक आस्था के पर्व पे माता बहने जो मतलब छठ पूजा में जाती हैं उनके लिए सुरक्षा में उनके जाने के रास्ते में कोई कठिनाई ना हो उनके लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मैं इन सफाई अभियान के लेकर मैं सारे युवाओं को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज के समय में जो भी युवा है अपने काम में व्यस्त है, कोई युवा है जो अपने आप में सेल्फ फेस हो गया, लेकिन आज जो युवाओं का जोश दिख रहा है जो लोक आस्था के पर्व पे इतने हुजूम के साथ लोग युवा आगे आए हैं और इस पर्व में हिस्सेदारी ले रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं, मैं इन सब को लेकर मैं इन सारे युवाओं को अभिवादन और स्वागत करता हूं कि आप लोग इसी तरह और स्वागत में लगे रहिए और आगे बढ़िए। मैं इन सब के साथ मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
पंडे के बाद जो है हम लोग साफ सफाई करते हुए नदी किनारे आ चुके हैं और अभी जो है यहाँ पर घाट बनाने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे।